तो हेलो गाइस, सिंपल इनोवेशन वाला चैनल के अंदर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉय बनाने वाले हैं। तो गाइस यार, इसके लिए आपको ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होगी, आप खराब मटेरियल से इसको बना सकते हैं। तो चलो इस डिब्बी की हम फटाफट से करते हैं कटिंग। तो इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो साइड के अंदर, उसको हमें कटिंग कर लेना है। जो इस डिब्बी की चारों तरफ जो बाउंड्री है, उसको हम फटाफट से कटिंग कर लेंगे और फिर आगे का काम शुरू करेंगे। तो गाइस यार, ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगा और ये टॉय आपको काफ़ी पसंद आएगा और इसको बनाना काफ़ी इजी है। तो चलो इसके फटाफट से कर लेते हैं कटिंग। इतनी देर में आप कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इस तरीके से इसको आपको अच्छी तरीके से काट लेना है। और ये निविया क्रीम की डब्बी है, ये इसको आप आसानी से काट सकते हैं कैंची की सहायता से। ये देखिए, अच्छी तरीके से हमने इसको काट लिया है और जो थोड़ा बहुत इसके चारों तरफ बचा था, इसको भी हमने काट लिया। ये देखिए, अब काफ़ी शानदार ये दिख रहा है। तो वैसे यार, अब क्या करना है, इसका बीच का सेंटर निकालना है इसको। तो हम क्या करेंगे, मार्कर से इसको चिन्ह कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके अंदर सुराख निकालेंगे। तो ये देखिए, हमने चिन्ह कर लिया है और अब क्या करेंगे, कैंची की सहायता से इसके अंदर सुराख निकालेंगे। तो वैसे यार, इसको कटिंग करना काफ़ी ईजी था और इसके अंदर सुराख भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पतला लो है। तो इसको चलो फटाफट से सुराख कर लेते हैं और फिर आगे काम शुरू करेंगे। तो ये लो गाइस, हमने अच्छी तरीके से सुराख कर लिया है और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी मार्किंग करेंगे ताकि ये सुंदर दिखे। तो चलो इसके फटाफट से मार्किंग कर देते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर ली है और अब आपको क्या करना है, इस तरीके का कोई भी मजबूत धागा लेना है और इसको डबल कर लेना है इस तरीके से। और इसकी हम कर लेते हैं कटिंग और फिर इसके अंदर हमें इसको डालना है। तो पहले हम इतनी साइज़ के अंदर इसको कट कर लेंगे और धागा काफ़ी मजबूत होना चाहिए गाइस, नहीं तो ये कट कर टूट जाएगा। ये देखिए, हमने धागे की कटिंग कर ली है और अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसको फिट करेंगे। और ऊपर से दूसरी तरफ से भी हम इसको डाल देंगे और आगे से इस धागे को बांध देंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके दोनों जो सिरे हैं, उसको अच्छी तरीके से हमें बांध देना है। तो गाइस यार, ये हमारा टॉय बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, काफ़ी इजी तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब इसको आपको घुमाने के लिए क्या करना है, इसको थोड़ा आपको ऊपर उठाना है और फिर इसको अपने हाथ से घुमाना है। इस तरीके से आपको पकड़ना है और फिर इस तरीके से आपको स्लो स्लो घुमाना है और ये फिर अपने आप घूम जाएगा। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छे तरीके से ये घूम रहा है, ये देखिए। और ये शानदार टॉय बन चुका है हमारा। और आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं, बीच के अंदर रोक भी सकते हैं और फिर इसे घुमा सकते हैं। तो चलो इसको होल्ड कर दिखाते हैं। और इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़, आप पेपर वगैरह काट सकते हैं इससे और इसको आप रोक भी सकते हैं। ये देखिए, अब रुक गया है और अब आप इसको जैसे ही खींचेंगे तो ये अपने आप घूमने लग जाएगा, ये देखिए। तो गाइस यार, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा।